मेट्रो टनल की खुदाई का शुभारंभ एक दिन में आगरा में G20 समिट पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अतिथि देवो भव को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। उमा भारती ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना, बोली बेचारे के कहीं के नहीं रह जाएंगे। एनएचएम का फाइलेरिया उन्मूलन अभियान 10 से 17 फरवरी तक चलेगा अभियान। सहारनपुर के नवनियुक्त डीआईजी अजय कुमार साहनी ने संभाला कार्यभार, कहा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर सोमवार को गाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गाजीपुर पत्रकार एसोसिएशन कार्यालय पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो बलिया से अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान अमिताभ ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पुलिस शिकारी कुत्ते की तरह काम कर रही है और इस शिकारी कुत्ते का इतना विभत्स प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं इस मामले में मौजूदा सरकार विशेष पर कहूंगा, इससे पहले स्पष्ट कहूंगा, इससे पहले तमाम सरकारें रही और मैं मतलब कांग्रेस के अलावा तब सभी पार्टियों के सरकारों में मैं नियुक्त रहा, यहां तक कि स्वयं इस पार्टी की भी जो पिछली सरकारें थी उनमें यह दूरदशा नहीं थी, जहां जहां शिकारी कुत्ते का इतना विभत्स प्रयोग किया गया हो जो मौजूदा सरकार में हो रहा है, ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ। कल्याण सिंह जी की सरकार रही, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही, मायावती जो सख्त प्रशासक अक्सर मानी गई उनकी सरकार रही, लेकिन जिस प्रकार से टारगेटेड एक्शन विशेष करके विचारकों, आलोचकों, पत्रकारों और विपक्षी दल के नेता। अमेठी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल की अगुवाई में सार्वजनिक उपक्रम जगदीशपुर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम और गौरीगंज में भारतीय स्टेट बैंक कार्यालय के सामने जनपद स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह को LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों में बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश ने भारत के निवेशकों के LIC के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पिछले कुछ दिनों में LIC में 33,060 करोड़ का नुकसान हुआ है। अडानी समूह पर स्टेट बैंक सहित भारतीय बैंकों का लगभग 80,000 करोड़ ऋण बकाया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा कि मोदी सरकार हमारे दो को लाभ पहुंचाने के लिए बिना नियमों के सभी सार्वजनिक उपक्रमों की दोहन की छूट दे रखी है। इन्होंने LIC और SBI का पैसा उनको दिया है, जिससे जो हमारी आम जनता, जो पब्लिक है या जो है नौजवान साथी हैं, इन लोग आंख बंद करके LIC और SBI में पैसा जमा करते थे, आज उनका पैसा असुरक्षित हो गया है। हम लोगों ने आज कांग्रेस कमेटी ने कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए ब्राह्मणों को बयान के मामले में अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के लोगों ने पुलिस कमिश्नर कानपुर से मुलाकात की है और मोहन भागवत के खिलाफ शिकायत की। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह से ब्राह्मण समाज के प्रति बयान दिया गया है उससे समाज के सम्मान पर आघात हुआ है, इसलिए मोहन भागवत पूरे हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज के लोगों से माफी मांगे। अब आगे की प्रक्रिया जो उनके कल वक्तव्य हैं उससे एक समाज को वर्चुअल जो ब्राह्मण समाज है सबका अनुष्ठान जो सर्वोपरि है आप कह सकते हैं, लेकिन उनके जो हिसाब से पता नहीं मुझे क्या राय है और उनके हम अक्सर कमेंट देखते रहते हैं, कभी समलैंगिक पर, कभी DNA एक है, या कल जो बयान देख रहे हैं उससे काफ़ी एक समाज को हानि, मतलब
उपेक्षा उपकत कह सकते हैं, जिसको कि गिल्टी महसूस हो रही है और उन्हें वाले समय में अक्सर देखा गया है चालाकी से भारतीय समाज को या हिंदू समाज को विखंडित किया है, उसे जातियों में बांटा है। यद्यपि जाति शब्द की मूल व्याख्या संस्कृत में यह है कि जन्मना या प्राप्ति से जाती है, जन्म से प्राप्त है वह जाति है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुणकर्म भागसः, कि हे अर्जुन, ये चार वर्णों की सृष्टि मेरी है। अब की जबकि हम ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखते हैं तो हमें यह दिखता है कि मोपला नरसंहार, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार। खबर फरीदाबाद से है, जहां के सूरजकुंड की वादियों में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आज दूसरा दिन रहा। इस बीच मेले में लोगों की भारी संख्या में भीड़ दिखाई दी, तो वहीं थीम स्टेट के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने आज सूरजकुंड मेले का भ्रमण किया। इस बीच मंत्री बीएल वर्मा ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है और उनके लिए गर्व की बात है। इस बार सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट नॉर्थ ईस्ट को रखा गया। इसमें नॉर्थ ईस्ट कला और संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगी। इस बीच मंत्री बीएल वर्मा ने नॉर्थ ईस्ट की करीब 5 स्टॉल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। क्योंकि जिस तरह से बजट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस नॉर्थ ईस्ट के लिए रहा है, हालांकि पूरे देश का कल्चर हमें दिखाई पड़ता है और केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया के न जाने कितने देशों से यहाँ पर लोग आए हैं, तो कम से कम नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है इस मेलों के माध्यम से, और जहाँ पर अपनी अपनी कला का प्रदर्शन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, वहाँ के किस स्टेट के कौन कौन से आइटम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो पूरे देश में वो आइटम जहाँ से जाएंगे। और चूँकि ये 19 तारीख तक मेला चलना है, 19 फरवरी तक, अभी मेरा एक बार दो बार मेरा भी आना रहेगा, तो मैं तो इस नॉर्थ ईस्ट के सभी जितने दुकान में यहाँ पर लोग आए हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। सूबे में फाइलेरिया के संक्रमण को देखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा, जो कि फरवरी 10 से 17 फरवरी तक चलेगा। एनएचएम के महाप्रबंधक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि 2030 तक फाइलेरिया को खत्म करना है। अगर एक भी व्यक्ति छूटेगा तो फाइलेरिया नहीं खत्म होगी, माइक्रो फाइलेरिया को भी खत्म करना होगा। इसके लिए गाँव गाँव आशा कार्यकर्ता दवाइयां बांटेंगी। खिलाई जाती है, ये 10 तारीख से लेके 27 तारीख तक चलेगा। इस बार खास ये है कि इस बार जो राष्ट्रीय कृमि दिवस जो मनाया जाता है वो भी साथ में मनाया जा रहा है, तो इसी अभियान में हम 1 साल से 2 साल के जो बच्चों को एल्बेंडाजॉल की आधी गोली भी अवश्य देंगे। इसके अलावा हम लोग जो इस अभियान में MDA अभियान में जो है DEC की गोली, एल्बेंडाजॉल की गोली और आइबरमेक्टिन की गोली, 3 तरह की गोलियां दे रहे हैं, और ये आशा और आंगनबाड़ी और CHO ANM के द्वारा टीम बनाई गई है गांव में। उस टीमों द्वारा प्रत्येक दिन कम से कम 25 घरों का भ्रमण उनको करना है अपने एरिया में, और लगभग 10 दिन में अपना सारा कार्य खत्म फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो लोग भी अगर बच जाते हैं उस दिवस के दिन, तो उनको शाम को हर हालत में या फिर अगले दिन सुबह उसको जो है ट्रेस ट्रैक करके उसको भी दवा खिलानी है। मुख्य मुद्दा यही है कि अगर फाइलेरिया को हमें 2030 तक ख़त्म करना है, तो इसमें हर व्यक्ति को, वो 2 साल से ले ऊपर हर व्यक्ति को हमें ये दवा खिलानी पड़ेगी और खाना पड़ेगा, जिस वजह से हम लोग इसको उन्मूलन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर एक भी व्यक्ति छूटता है या कुछ व्यक्ति छूटते हैं, तो वो जो माइक्रो फाइलेरिया हैं, जो इसके कीड़े हैं, उसको जीवित रखेंगे और वो आगे मच्छरों द्वारा दूसरे इंसान में फैल जाएगा, तो ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक साथ ये दवाई खिलाई जाती है और एक साथ उस कम्युनिटी में, उस सोसाइटी में वो सारी जो उसके फाइलेरिया, माइक्रो फाइलेरिया, वो मर जाए। सहारनपुर के नवनियुक्त DIG अजय कुमार साहनी ने कार्यभार ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि खनन व नशे के कारोबार पर भी कार्यवाही करने की योजना पर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता आम जन तक पुलिस उपलब्ध कराने की है, ताकि उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हो सके। जनपद पुलिस बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने में काफी हद तक कामयाब रही। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सहारनपुर की जो सीमा है वो हरियाणा राज्य से भी लगती है। SSP सहारनपुर साहब ने उसमें अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं, वहाँ पर PSC तैनात की गई है, और आगे भी संबंधित स्टेट जो है उससे भी हम लोग बात करेंगे, और वहाँ के जो आसपास के हमारे पुलिस थाने हैं उनसे हम लोग बॉर्डर मीटिंग करके ये तय करेंगे वहाँ के अधिकारियों के साथ कि उधर के लोग इधर ना आएँ, ज्वाइंट फोर्स लगवाएंगे, और जो भी लोग इधर आएंगे उन पर नियम संगत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जी निश्चित रूप से आज सुबह में कोई पेपर भी देख रहा था उसमें भी निकला था कि पंजाब से हरियाणा से और यूपी में बाराबंकी और कुछ अन्य जगहों से यहाँ पर नशे के खेप कुछ आती है और कुछ चिन्हित जगह हैं उसमें हम लोग पहले जनपद स्तर के जो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं जितने भी लोग हैं उनकी लिस्टिंग करवा रहे हैं पूरे जनपद में और इन सबों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छर्रा रोड स्थित एक बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बालक का शव मिला। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें मौत की सूचना परिवार के लोगों को मिली तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच में जुट गई है। इसमें हमारी कोई वो जंगल गया था, ये लोग बता रहे आदमी वहाँ देखा हमने जब बाग वाले बता रहा दवा मारने वाला कि एक आदमी है तो हमने वार्निंग करा कि हमारा बच्चा क्या बजे की घटना है ये 1:30 की होगी आज सुबह की सुबह 10:30 बजे। कितनी उम्र थी बच्चे की? 14 साल का। 14 साल का क्या करता था? कोई काम वाम करता था क्या? दुकान पे जाता था ट्रैक्टर की दुकान पे। तो ये इसका सब कहाँ मिला है, कौन से रोड पे मिला, कौन से बाग में ये मिला है? इसमें जो बम्बई वाले बाग में। खबर गाजीपुर से है जहां तालाब की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ढहाया गया। बता दें प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि गाजीपुर के जंगीपुर क्षेत्र के कदियापुर गांव में तालाब की जमीन पर 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट में केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने प्रशासन को तालाब पर अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया है। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने तालाब की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक निर्देश दिया था जिसमें ग्राम कदियापुर के एक तालाब पर कुछ लोगों का अवैध अतिक्रमण था, उसे खाली कराने का माननीय न्यायालय का निर्देश था। इसी के क्रम में बेदखली का आदेश करके आज पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा अतिचारियों के अतिक्रमण को हटाया गया है। यूपी के रायबरेली में एक कोटेदार के भ्रष्टाचार का कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा ही भ्रष्ट कोटेदार जिसने निशुल्क बनने वाले राशन कार्ड को बनवाने के नाम पर गरीब व्यक्ति से लगभग 1300 रुपए ले लिए। बीते दिन जब पीड़ित ने इसकी शिकायत समाधान दिवस में डीएम से की, वहीं डीएसओ ने तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। दरअसल पूरा मामला जिले के सलून तहसील क्षेत्र के स्थित कानपुर गाँव का है। पूरा मामला ये राशन कार्ड के आया, हमारा लाल कार्ड रहा, लाल कार्ड काटे के बाद जो है कई बार हम पूरा आईडी समेत इनका पैसों दें। किसको पैसा दिया? कोटेदार। कौन कोटेदार है? सुशील कुमार पाड़े। फिर क्या हुआ, बनाया कार्ड आप? नहीं बना, अभी तक पैसा भी नहीं दिए। पैसा कितना पैसा दिए हो? 150 रुपये एक बार, 1200 रुपये एक बार। अब क्या कह रहे हैं? कार्ड नहीं बना रहे, मुंह से नहीं बोल रहे हैं। ये तो 1200 रुपये जब दिए थे आप, तो क्या कह के मांगे थे कि? ये कह के मांगे थे कि अगले महीने तुम्हें राशन मिलना शुरू हो। अभी कहाँ पे आए हैं आप? अभी हम कोतवाली आए हैं यहाँ सलून। बदायूं पुलिस को सफलता मिली है। थाना बिलसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 बाइक बरामद हुई है। ये सभी बदमाश बाइक की नंबर प्लेट बदलकर सस्ते दामों में बेच देते थे। आपको बता दें कि बिलसी प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार को चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और 4 आरोपियों को धर दबोचा है। जनपद बदायूं में ये 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बिलसी पुलिस ने क्षेत्राधिकारी बिलसी और इंस्पेक्टर बिलसी और SPRA के नेतृत्व में पता रसी सुराग रसी करके चेकिंग के दौरान पकड़ी है और मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं। ये लोग मोटरसाइकिलों को औने पौने दाम पे लोगों के पास बेचते थे, उसकी चेसिस नंबर भी टेम्पर्ड कर देते थे, चेंज कर देते थे और दूसरी चेसिस नंबर भी डालने का प्रयास करते थे। ये पहली बार पकड़े गए हैं, इनके संदर्भ में आगे की छानबीन की जा रही है तथा इसमें गैंगस्टर एक्ट लगा करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद इंदिरापुरम पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर बीती 5 तारीख को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें 6 लोग नशे की हालत में गले में असलहा लटका कर डांस करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है, 5 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि 1 आरोपी फरार है, पुलिस जिसकी तलाश कर रही है।
5 तारीख को एलिवेटेड पे एक वीडियो सोशल मीडिया पे एलिवेटेड पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि कुछ लोग वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक कर शराब पी रहे थे और असला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस पे थाना इंद्रापुरम पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। टोटल इसमें जब चिन्हित किए गए टोटल 6 लोग पाए गए थे जिनमें से पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया है। 5 के नाम है एक राजा चौधरी जो कि यहाँ पे जिम चलाता है, इसके कविनगर क्षेत्र में और कोतवाली क्षेत्र में 2 जिम है 24 फिटनेस के नाम से। दूसरा इनका साथी है रोहित शेट्टी, आकाश सिरोही। इसके अलावा एक 2 गार्ड है, संतोष ठाकुर और अरुण चौहान। इसमें जो असला दिखाई दे रहे थे वो संतोष ठाकुर और अरुण चौहान से बरामद हुए हैं। 315 वर्ग के इनके लाइसेंसी वेपन्स हैं जिनके की कैंसिलेशन की रिपोर्ट भेजी जा रही है। खबर देवरिया से है। भलवानी थाना क्षेत्र के ग्राम करौदी के रहने वाले लोग बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचकर भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के ग्राम प्रधान की दबंगई से जेसीबी लगवाकर मकान एवं रोड को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की मिली भगत से पुलिस दबंगों पर कार्यवाही करने से हिचक रही है। हम पीड़ित पक्ष का बैनामा की भूमि है जिसकी आरजी संख्या 288 ख में 3975 एयर में स्थित है। ग्राम प्रधान की मिली भगत से गाँव के दर्जन लोगों द्वारा जबरदस्ती जेसीबी चलवाकर मकान को ध्वस्त कर दिया गया। दीवार गिरा दिया। कब आया हुआ? 7 बजे राती को बदमाश के साथ आया है। थाने पर फोन किए थे, कोई सुनवाई नहीं है। आप क्या चाहती हैं अभी? धन्यवाद। क्या चाहती हैं? यहाँ क्यों आई हैं डीएम साहब के कार्यालय पे? कोई अन्याय के लिए प्रधान है गांव का और सब बुढ़ान के लेके पैसा दे के किन ले लेवा। जमीन है तो बताइए, आगे हम आगे दे ले हैं। अब 5-6 दे ही बानी बीच में बताइए, 1-3 कट्ठा जमीन में हम दे गए हैं तो बताइए हमारे 2 बच्चा कहाँ रहेंगे। इन लोग का दीवार और जेसीबी से लगा कर अपनी पूरी इन लोग की संपत्ति नष्ट कर डाला और टंकी से लेकर 4 दीवारी हुआ जिसमें कोर्ट का मुकदमा भी चल रहा है, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस थाना इन लोग के प्रति ही मुकदमा दर्ज कर दिया है जिसमें 151 पे लोग चलान भी कराए, उन लोग कुछ कोई मुकदमा नहीं है। उन लोग पर भी 151 का चलान मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं है। ये लोग सारे एसपी साहब के पास गए, एसडीएम साहब बार बार दबाव बना रहे हैं कि तुम अपनी ज़मीन दे दो, जिसमें ज़मीन के नाम पे आगे भी ज़मीन दे चुके हैं और पीछे भी ज़मीन दिया। फिरोजाबाद में अडानी के शेयर गिरते ही कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार को घेरने का काम किया है। इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एसबीआई बैंक के बाहर और एलआईसी ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे जिन्होंने हाथों में पट्टिका लेकर भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरह सरकार चंद पूंजीपतियों मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर एलआईसी विभाग और एसबीआई बैंक के रुपए से खिलवाड़ की तो कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक चलाई जाएगी। अपरिवारी फिरोजाबाद दीक्षित जी जिलाध्यक्ष महोदय और शहर अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में हो रहा है। ये बात राहुल जी ने काफी समय पहले कह दी थी कि ये अडानी एक दिन धड़ाम से गिरेगा और उनकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। और ये कांग्रेस जो आंदोलन कर रही है, वो जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, आप जानते हैं कांग्रेस हमेशा विरोध प्रदर्शन सच्चाई के लिए करती है। देश बनाया था कांग्रेस ने और लुटेरे इसको लुटा रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। चाहे हम कांग्रेसियों को रोजाना शहीद होना पड़े, हम शहीद होंगे लेकिन जनता का पैसा लुटने नहीं देंगे। कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। 2024 में अभी अडानी गिरा है, 2024 में मोदी को गिरेंगे, कुर्सी को हम इनके हाथों से छीनेंगे। और जनता के लिए इंडिया और एलआईसी के खिलाफ नहीं है ये, जनता की जो जन विरोधी नीति है, जिस सरकार की जो जन विरोधी नीति है, जनता के विरोध में जो ये कार्य कर रही है, जनता का पैसा जो है जो असुरक्षित हो गया इस सरकार में, उसके विरोध में है ये। हम लोग ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी, आप देख रहे हो, किसी भी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे हैं लोग अपना सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक भय है। हमारी जब लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं आज पता नहीं चल रहा कि एलआईसी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं। हमने कह दिया है उनसे, आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके लिए, आपके पैसे के लिए सड़क से लेकर जमीन से लेकर संसद तक लड़ेगा और आपके पैसे को सुरक्षित ही है। अगर ये सरकार
अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर इस तरह का काम करती है कि वो जो LIC और स्टेट बैंक का पैसे से खिलवाड़ करती है तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इसका कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा और सड़क से लेकर संसद तक हम ये लड़ाई करेंगे माननीय राहुल गांधी जी के, माननीय खड़गे जी के, माननीय खावरी जी के नेतृत्व में। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।